सिंधी समुदाय के आराध्य झूलेलाल पर गलत टिप्पणी दिन पर दिन तुल पकड़ती जा रही है। इस घटना से पूरा सिंधी समुदाय नाराज है। सोशल मीडिया पर कुछ समूह लगातार समाज के प्रति ऐसी बातें लिख रहे हैं जिससे इनकी भावनाएं आहत हुई हैं। अब ये विवाद सोशल मीडिया से निकलकर धरना प्रदर्शन का रूप ले लिया है। मंगलवार को सिंधी समाज के वरिष्ठ और युवा पदाधिकारियों ने इस घटना की निंदा करते हुए न्यू राजेंद्र नगर स्थित झूलेलाल मंदिर में एक दिवसीय मौन धरना देते दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। ये जो हमारे भगवान झूलेलाल जी के बारे में अब शब्द कहे गए हैं, क्रांति सेना का एक पदाधिकारी है सौरभ चंद्राकर, वो पहले भी हमारे समाज के बारे में अभद्र टिप्पणी पहले भी कर चुका है कि ये बाहरी हैं और इनको भगाना चाहिए। जैसे हमारे भगवान जी के बारे में अभी उसने बोला आई हेट झूलेलाल। इस सब चीज़ों को देखते हुए हमें बहुत पीड़ा हुई है हमारे समाज को, और हम चाह रहे हैं कि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। इसी के लिए हमने एडिशनल SP के पास जाकर उनको ज्ञापन भी दिया था, जिसको 5 दिन होने के बाद भी अभी तक का उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके लिए हम आज मौन धरने पर बैठे हैं। अगर इसके बाद भी अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर हम उग्र आंदोलन करेंगे रोड पे उतर के। गिरीश लहजा, पूज्य सिंधी पंचायत राम, अध्यक्ष। कृष्ण भगवान ने कहा था जब जब अधर्म बढ़ेगा और धर्म की रक्षा के लिए मुझे आना पड़ेगा, मैं अवतार लेके आऊँगा। 1072 ईस्वी पूर्व भगवान झूलेलाल ने हमारे तप के आह्वान पर वह हिंदू सनातन धर्म की रक्षा के लिए आए। उस भगवान के सरोवर और उद्यान के नाम से जब हमारा नगर निगम ने उन्हें पास किया है, तो आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है, बात करनी है, तो नगर निगम या शासन प्रशासन से बात करिए। हमारे भगवान के प्रति जो हम लोग जो चालिया महोत्सव रखते हैं, देश में हिंदुस्तान में बारिश हो, पानी गिरे, सबका सद्भावना हो, कृषि उत्पाद में वृद्धि हो, उसके लिए हम तप जल और ज्योत का मनाते हैं। उसमें अगर ऐसी, और ये किस हिसाब से बोलते हैं कि आप पराए हो, कहाँ के हो, हिंदुस्तान अखंड भारत के हम सभी यहाँ पे अपने, आप क्रांति लाओ देश के विकास के लिए, आप क्रांति लाओ प्रदेश के उत्थान के लिए। ये सामाजिक वैमनस्य किस प्रकार का, किस ओर ले जा रहे हो आप? क्या चाहते हो आप? देश को बढ़ाने के लिए, प्रदेश को बढ़ाने के लिए हमेशा सिंधी समाज अग्रणी रहा है, निसंदेह इसको पूरा देश, हिंदुस्तान, विश्व मानता है। ऐसे लोगों को गिरफ्तार, हमने पुलिस में भी एक आवेदन दिया है, और आज जो मौन धरना लिखे हैं, कल हमारे पूरे प्रदेश में हर जगह हर शहर में आवेदन जाएगा गिरफ्तारी के लिए। हम चाहते हैं कि आप जो नीतिगत रूप से अभद्र टिप्पणियां हमारे भगवान के ऊपर किया जा रहा है, उसे तत्काल गिरफ्तार करें, समाज में वैमनस्य न फैलाएं, और हिंदुस्तान में जो आज क्रांति आ रही है, देश के विकास के लिए सबका सहयोग चाहिए, और हम चाहते हैं तत्काल इसके ऊपर गिरफ्तारी हो, दूसरे कोई भी इस प्रकार का भविष्य में भी ऐसे वैमनस्य न फैलाए, इसलिए आज हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। महेश अरोरा, धमतरी, अध्यक्ष, पूज्य पंचायत सिंधी समाज। लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।